पंजाबी समोसा और ईरानी समोसा तो आपने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नूडल समोसा खाया है? आज मैं आपको बताऊंगी नूडल समोसा बनाने का सबसे आसान तरीका, और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है यिप्पी मैजिक मसाला नूडल्स। इसके टेस्ट मेकर में पहले से वेजिटेबल्स ऐड किए हुए हैं, जिसके कारण इसे समोसे में स्टफ करने से नूडल समोसे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। हाय फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। इसी तरह की बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आप देख सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। नूडल समोसा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: एक पैकेट यिप्पी मैजिक मसाला नूडल्स, थोड़ा सा प्रोसेस चीज, 2 से 3 टेबलस्पून मैदा, रेडीमेड समोसा पट्टी और समोसा डीप फ्राई करने के लिए तेल। सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे मीडियम आंच पे गर्म होने रखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें टेस्ट मेकर ऐड करेंगे, जिसमें पहले से कैरेट, कैबेज और रिंग बीन्स जैसे वेजिटेबल्स ऐड किए हुए हैं। इसे एक बार स्टर कर लेंगे। जब पानी उबलने लगे, तब हम इसमें यिप्पी मैजिक मसाला नूडल्स बिना ब्रेक किए ऐड करेंगे और इसे मीडियम आंच पे 3 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट से भी कम टाइम में हमारे यिप्पी नूडल्स तैयार है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। आप देख सकते हैं यिप्पी नूडल्स ठंडे होने के बाद भी नॉनस्टिकी है। अब हम इसमें चीज ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम समोसा सील करने के लिए मैदे की पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हम मैदे में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी थिक पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हम एक समोसा पट्टी लेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इसमें यिप्पी नूडल्स का स्टफिंग भर लेंगे। समोसे को पूरी तरह से स्टफ करने के बाद हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। कॉर्नर पे मैदे की पेस्ट अप्लाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से सील कर लेंगे। और इसी तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। समोसे को फ्राई करने के लिए हम मीडियम आंच पे तेल को गर्म होने रखेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम उसमें समोसा ऐड करेंगे। और इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं समोसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म यिप्पी नूडल समोसा टोमेटो सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।